आज मैं साझा कर रहा हूं तीन शब्द, तीन ब्रह्मास्त्र। पहला शब्द है पॉजिटिविटी। ऐसा ब्रह्मास्त्र है पॉजिटिविटी कि बड़े से बड़ी नेगेटिविटी धराशायी हो जाएगी। कुछ भी नेगेटिविटी हो, किसी भी फॉर्म में नेगेटिव हो, कितनी ही बड़ी नेगेटिविटी हो, आप अपनी पॉजिटिविटी से उस नेगेटिविटी को धराशायी कर देंगे। वो नेगेटिविटी किसी भी तरीके से आपका मनोबल कम करने वाली नहीं है। आपने जैसे ही अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन रखी, जैसे ही आपने अपनी पॉजिटिविटी को और स्ट्रांग बनाया, जैसे ही आपने अपनी पॉजिटिविटी को और नरिश किया, जैसे ही आपने पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस किया, तो नेगेटिविटी धीरे 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 गायब, नेगेटिविटी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यह है पहला ब्रह्मास्त्र। अब मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ दूसरा शब्द, वह है फोकस्ड होना, दूसरा ब्रह्मास्त्र। जैसे आप फोकस्ड हुए, एकाग्र हुए, आपने अपनी एकाग्रता मेंटेन रखी, तो फिर किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन, किसी तरह का एक्सटर्नल डिस्टरबेंस, किसी तरह का इंटरनल डिस्टरबेंस, किसी तरह का भटकाव आपके सामने टिक नहीं पाएगा, ठहर नहीं पाएगा, बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। फोकस्ड होना का अर्थ है आपने जंग जीत ली है, फिर कुछ कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल जो भी चीज़ भटकाती है मन को, जो भी चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, हम अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है, वो फिर आपके सामने टिक ही नहीं सकती है। आपकी एकाग्रता के सामने वो बिल्कुल नेस्ताबूत हो जाएगी, बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। तीसरा शब्द है और तीसरा ब्रह्मास्त्र है, आपने जो काम तय कर रखा है, पूर्व अपने पूर्व निर्धारित काम को प्रतिदिन के हिसाब से कंप्लीट करना। अगर ये डिसाइड कर रखा है कि इतना काम करना है, उस काम को कंप्लीट करना। जैसे आपने ये निश्चित कर लिया कि मैंने ये काम कंप्लीट करना है, फिर किसी तरह का प्रोक्रास्टिनेशन आपके सामने ठहर नहीं पाएगा। किसी तरह का जो काम को टालने की प्रवृत्ति पैदा होती है, वो आपके सामने नहीं ठहर पाएगी। आप अपने काम को फिर कल के लिए, सुबह के लिए, शाम के लिए बिल्कुल नहीं टालेंगे। किसी तरह का कोई भी प्रोक्रास्टिनेशन हो, उस प्रोक्रास्टिनेशन के लिए, उस काम को टालने के लिए आपका कितना ही स्ट्रॉन्ग कारण क्यों ना बने, वो काम आपका टलेगा नहीं। जैसे आपने ये तय कर लिया कि आज मैंने जो टारगेट तय कर रखा है, आज का काम जो पूरा करना है, आज मैं इस काम को कंप्लीट करके ही दम लूंगा। यह है हमारा तीसरा ब्रह्मास्त्र। जैसे हम इन तीन ब्रह्मास्त्रों की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं अपनी जिंदगी में, आज किया, कल किया, परसों किया, नरसों किया, लगातार लगातार करते रहे करते रहे, अगर हमने इसको एक हफ्ता कर लिया, दो हफ्ता कर लिया, तीन हफ्ता कर लिया, तो ये हमारा चरित्र का हिस्सा बन गया, हमारे हैबिट फॉर्मेशन हो गई। और जैसे हमारी हैबिट फॉर्मेशन होती है, फिर आप निश्चित मानिए कि आप महारथी हो गए हैं, आप अपनी सोच और अपनी जिंदगी के सुपर हीरो बन गए हैं।